नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो हर पल हर घड़ी बदलता रहता है और वक्त के साथ ही उससे जुड़ी हर चीज बदल जाती है, लेकिन वो पुरानी यादें ही हैं जो हमें अपने बीते हुए कल का एहसास कराती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बदलते समय और बदलते भारत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1947 के दौर में और बताएंगे आपको कि उस समय की कुछ खास बातें उस दौर और आज के दौर में महंगाई और बदलते समय के बारे में। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं और इन 72 सालों में पूरा देश बदल चुका है, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 72 साल पहले यानी 1947 के अगस्त महीने में कैसा रहा होगा हमारा देश। उस वक्त विभिन्न चीज़ों का मूल्य क्या था। आज महंगाई ने हर चीज़ में अपनी हद पार कर दी है। बेशक तनख्वाह और लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है, लेकिन आज़ादी के बाद इतनी महंगाई ना थी कि सामान्य इंसान आसानी से अपना जीवन व्यतीत ना कर सके। उस वक्त किसी वस्तु की कीमत रुपए आने और पैसे में होती थी। 1 रुपए तक का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी। उस वक्त $1 की कीमत थी 1 रुपए। रुपए की कीमत इतनी थी कि रोजमर्रा की चीज़ों को आप आसानी से 1 रुपए में खरीद सकते थे। चाय 65 पैसे प्रति किलो, गेहूँ 26 पैसे प्रति किलो, चीनी 57 पैसे प्रति किलो, केवल 30% लिया जाता था टैक्स। उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुकटुक घोड़े की सवारी में आने जाने के लिए केवल 1 आना लिया जाता था। याद रहे, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। उस घोड़े की गाड़ी में कम से कम एक परिवार के 8 सदस्य समा जाते थे। तब अहमदाबाद से मुंबई तक की हवाई यात्रा मात्र 18 रुपए में होती थी, जहां टाटा एयरवेज और अंबिका एयरवेज की 13 फ्लाइट्स प्रतिदिन मुसाफिरों को प्रवास करवाती थी। तब तेनाली रामा जैसे बुक 1.5 रुपए में मिलते थे और रेडियो 100 रुपए में मिला करते थे और अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ जैकेट महज 2 से 2.5 रुपए में मिल जाया करता था और फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक मिल जाती थी। आज के दौर में 1947 के ये दाम भले ही हमें चिल्लर जैसे लगते हों, लेकिन ये भी है कि तब भारत के लोगों की एवरेज इनकम रेट 100 रुपए से ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त इनकी इनकम में कम से कम खर्च में आसानी से जीवन निर्वाह हो जाता था और लग्जरी चीज़ों को भी काफ़ी कम दामों में खरीदा जा सकता था और हजारों व्यक्तियों के बीच एक टेलीफोन था। तो दोस्तों, ये थे हालात 1947 के, और ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में चीज़ों के दाम बहुत ही कम थे। हमारे पुरखों ने जो दौर जिया वो कभी वापस नहीं आने वाला, लेकिन इस दौर को हम अपनी किताबों में और यादों में संजोए हुए रख सकते हैं। तो ये थी कुछ पुरानी बीते दौर की बातें जो हमने आपको बताई। वो भी एक दौर है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा जिया गया। तो बीता हुआ दौर तो शायद कभी वापस ना आए, मगर हम इतिहास में इसे दोहरा जरूर सकते हैं। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही बातों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।